नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेक टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। अगर हम ग्लोबल फ्रंट के बेसिस पे अगर कुछ न्यूज़ फ्लो की बात करें तो वहाँ पे जो फ्लोज़ है वो काफ़ी स्टेबल है, लेकिन वॉर फ्रंट पे अगर आप देखें जो इसराइल और गजा के बीच में चल रहा है वहाँ पे टेंशन्स थोड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर ग्लोबल मैक्रोज़ की अगर बात करें या स्टॉक मार्केट्स या स्टॉक इक्विटीज़ की अगर बात करें तो वहाँ पे हमने काफ़ी कॉशियसनेस देखा है। 10 साल का बॉन्ड यील्ड से लेकर क्रूड ऑयल सभी एक रेंज के अंदर, एक दायरे के अंदर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम हमारे मार्केट के सेटअप की बात करें तो हमने पिछले हफ्ते एक बड़ा सेल ऑफ देखा, जो 2.5% जितना सेल ऑफ था निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर। मार्केट्स ने कई सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को तोड़ा पिछले हफ्ते, इंक्लूडिंग इम्पॉर्टेंट स्विंग सपोर्ट एट 19,220-19,230 और वहाँ से लगातार गिरते हुए मार्केट 18,850 तक आ चुके हैं। अब यहाँ पे मार्केट के अच्छा सपोर्ट है, लेकिन मार्केट में हमें एट द सेम टाइम 19,075 या तो टू बी वेरी प्रिसाइज 19,100 के लेवल्स क्रॉस करना उतना ही ज़रूरी है। अगर निफ्टी इन लेवल्स को क्रॉस करने में फेल होता है तो हम वापस एक बार 18,800 तक के लेवल्स देखेंगे और 18,800 के नीचे फिर वापस एक बार मार्केट 18,700 या 600 के भी लेवल्स रिपीट कर सकता है। इन लेवल्स के करीब मार्केट में 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट रहेगा और वहाँ पे कुछ कॉन्ट्रा बेट्स ली जा सकती है। बट अगर यहाँ से मार्केट बढ़ता है तो 19,100 के ऊपर सस्टेन होना बहुत ही ज़रूरी है। 19,100 के ऊपर नेक्स्ट लेवल्स 19,250 और उसके बाद 19,400 के बनते हैं। फॉर द बैंक निफ्टी यहाँ पे भी मार्केट में वीकनेस है, 42,300 के करीब सपोर्ट है। इन लेवल्स के नीचे 42,000 और 41,800 के लेवल्स नज़र आते हैं। ऑन द हायर साइड देखा जाए तो इन लेवल्स पे 43,000 और 43,250 के लेवल्स रेजिस्टेंस के रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बाकी इंडाइसेस की बात करें तो वहाँ पे भी काफ़ी प्रेशर बना हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि हमें स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज़रूरी है, वहाँ पे फोकस किया जा सकता है क्योंकि जो यूएस में मीटिंग है वो फर्स्ट ऑफ नवंबर की है, जिसका आउटकम हमें सेकेंड को फेस करना है, यानी वेनसडे नाइट को इवेंट के रिजल्ट्स आएंगे और उसके आउटकम को हमें हमारे यहाँ 2 नवंबर को फेस करना है। तो इसी वजह से हमें लगता है कि मार्केट में थोड़ा कॉशियसनेस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी हमें दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।